भाई कितना धुआं निकल रहा है यार, कितना धुआं निकल रहा है भाई। बता बेइज्जती की बात नहीं है, मैंने पूरी कोशिश करी, थोड़ा सा ये तो पूछेंगे, ये कोई तो पहुंचेगा भाई, कोई था गाइस हम काम वो करते हैं जो हमसे हो सका है, हम वो नहीं करते जो होता है नहीं, बोल देते हैं। देख तुम अबे चल चल चल। हे गाइस, तो आज हमारा दार्जिलिंग में तीसरा दिन, दो हमने व्लॉग बना दिए थे लेकिन आज हम ओनली टॉय ट्रेन स्टेशन को देखने आए हैं। पीछे टॉय ट्रेन हमारे खड़ी है, तो घूमने तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं, हम पे इतना टाइम है नहीं, आज की हमारी ट्रेन है, तो फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन का इन दार्जिलिंग। पर देखना यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, और देखना यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, ये कोयला है शायद। भाई चल दी है ट्रेन, चल दी है। भाई कितना धुआं निकल रहा है यार, कितना धुआं निकल रहा है। आज का हमने वैसे शुरू से व्लॉग नहीं बनाया सुबह से, लेकिन आज ओनली सिर्फ ये दिखाना है टॉय ट्रेन स्टेशन, और शायद एक जगह और जाएंगे तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसका क्या यार, टिकट हम घूमते हैं लेकिन इसका टिकट ना थोड़ा पहले से मतलब करना पड़ता है, अभी सीट फुल है और अभी एक ट्रेन निकली है हमसे जस्ट पहले थोड़ी सी। आज हमारा लास्ट डे है दार्जिलिंग में, शाम को हम यहाँ से, शाम को क्या अभी 3-4 बजे यहाँ से बस चलती है या टैक्सी, तो हम नीचे पहुँचना है, हमको सुबह की हमारी ट्रेन है 8 बजे की सुबह की। ये एक बंदा आ गया है, दूसरा बंदा आ गया है, तीसरा बंदा, और सामने दो बंदे। भाई सामने देखो मंदिर है, ये अभी देखा है हमने क्योंकि अभी हम कोई से मंदिर गए नहीं है ना, तो अभी पहले फर्स्ट टाइम ये वाला देखा है। यहाँ पे भी सेटिंग एरिया बना रखा है, बैठने का और कुछ नहीं है, छोटा ही व्लॉग बनेगा ये लेकिन देख लोगे आप सब कुछ। यहाँ पे पुलिस आरपीएफ है, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, हाँ आरपीएफ ही होगी। यहाँ पे भी सेटिंग एरिया बना रखा है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ये क्या है भाई, वो देखते हैं वो क्या है, शायद शायद क्या है भाई, तो क्रिसमस ट्री है ऐसे ही रेल, क्या पता यहाँ पे ऐसे कुछ हो ट्रैक। और ये अभी दूसरी आ गई क्या भाई, तो ये है, मैं आपको शायद अंदर से दिखाऊं, अगर जाने देंगे तो, शायद जाने नहीं देंगे ऐसा। भाई देखना पानी कितना भर रहा है यहाँ पे, इसके पानी में चलती है क्या, पानी में तो नहीं चलती, लेकिन 2-3 आंटी अंकल भी बैठे हैं अंदर, कुछ अंकल अंदर जा सकते हैं क्या। और सामने में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो सामने ना इंजन है बहुत सारे, अब पता नहीं क्यों क्या है, पुराने इंजन है या फिर ये चलते हैं, ये लगते हैं यहाँ पे, देखो ये सारे इंजन है, 2, 3, 4 भाई शायद ये ना, ये शायद घूम घाम के आते होंगे यहाँ पे क्या पता, लेकिन काफ़ी इंजन खड़े हैं। बस यही है स्टेशन और कुछ नहीं है, लेकिन अभी बस मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं। भाई देखो अपने वहाँ पे ना ये अब पत्थर की बनने लग गई, लेकिन अभी इस पर नहीं, यही है लकड़ी की, आगे तो पत्थर की है लेकिन यहाँ पे लकड़ी का है। भाई कोहरा देखना, कोहरा भाई यहाँ 2-2 मिनट में कोहरा आ रहा है, कोहरा जा रहा है, कोहरा आ रहा है, कोहरा जा रहा है, 2-2 मिनट में। भाई अंदर के लिए तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा जिससे मैं पूछूं कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, देखो ये दिख रही होगी आपको अंदर से, बस और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, यही है पूरा रेलवे स्टेशन। और बाकी हम अगर यहाँ पे पता नहीं कौन सा मंदिर है, चाइनीज टेम्पल नहीं, नाम बोलिए जैपनीज, जैपनीज टेम्पल, अगर वहाँ पे गए, वहाँ पे गए तो इसमें ही ऐड करेंगे, अब देखते हैं वहाँ पे जाएंगे कि नहीं। बाकी स्टेशन यही है पूरा, 12:21 हो गए हैं। पक्का हुआ कि हम, मैं बार बार नाम बोल जाता हूँ यार, वो जो टेंपल की अभी बात हुई थी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से हाँ एक मेन रोड ही है, वहाँ से आप सीधा चले जाना है, उसके बाद थोड़ा रास्ता फिर उसके बाद ऊपर जाना है, अब
यहाँ से नीचे से जाओगे तो ऊपर पड़ेगा आपको, तो यहाँ से मेन रोड से पूछते पूछते जाना मेन रोड, हाँ जी ऊपर वाले मेन रोड पे है ना, वो जैसे कैपिटल है लॉक टावर जैसा, हाँ वो वहाँ से मेन रोड है, सीधा जाना है। तो भाई हमने टैक्सी बुक कर ली है क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर है, देर हो जाएगी, तो फटाफट चलते हैं टैक्सी से। भाई भाई देखना असली है ये नकली भैया, ये जो होता है ये किस लिए होता है यहाँ पे? मतलब हमारा ये ग्राहक है, वो मैंने पहने हो, ये आपका ग्राहक है, जैसा आप लोग का ग्राह आता है ना, हाँ हाँ ये लगाता है हम लोग गाड़ी में। अच्छा ये किसी का आंखें डाई लगता है वो नहीं लगता है। अच्छा नजर 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 के लिए लगाते हैं भाई। आप इसको देखो, इसको ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ये आप खोल, आप खोल रहे हैं। तो भाई फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट जैपनीज टेम्पल। इधर मत दिखाना, इधर ही दिखा, इधर ही। यह है छोटा, वो है मेन, इधर चलने हैं। चलता रहे, पोज दे सही से, हाँ ये पोज दे दिया, चलता रहे। और यहाँ से जाना अपने को, वो है वो, पता नहीं मैंने वीडियो में देखा था जब हम आ रहे थे ना, तो हमने वीडियो में देखा था, मतलब इसके साइड घूमना चाहिए ऐसा कुछ देखा था, अब वो पता नहीं, और थोड़ा पता नहीं यार, देखते हैं हमको पता इतना नहीं कुछ। भाई यहाँ पे भी लिखा है फोटो वगैरह के बारे में, लेकिन जब तक कोई नहीं टोकरा है तो बना देते हैं, एक बार भी किसी ने टोका तो नहीं बनाएंगे। इसमें लिखा है विद लाइटिंग, मतलब साउंड। अच्छा हाँ साउंड के बगैर, हम तो नॉर्मल बना रहे हैं आराम से बनाए। अभी तो ठंडा लग रहा है बहुत, ये तो ठंडा लग रहा है यार बहुत, और ऐसा लग रहा है बर्फ की सिल्ली में बिल्कुल। भाई ये भी तो है, ये तो ये चल दे, चल इधर को चल। भाई यहाँ के सात राउंड मारने हैं, सही है सात राउंड मारेंगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध यहाँ पे पहले हाथ जोड़ते हैं। क्या डेट होगा? यहाँ लिखा है परिक्रमा, परिक्रमा में आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्या क्या पेंटिंग है। किंग वेनु भावना राजा भीम भी सारा बुद्ध को दर्शन। भैया हमें पता नहीं किस बात में, होमेज बता रहे हैं कुछ, मतलब इनका घर का। शांति शांति शांति, क्या है ये? अरे इसमें धूप बत्ती लगती है, अगरबत्ती मतलब। भाई यहाँ पे ना ये मैं ये जब का सीन है शायद, जब गौतम बुद्ध बाहर निकले थे शायद घूमने के लिए, तब तो उनकी नजर पड़ी थी सब पे शायद। ये है तो डिवीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलिक्स। ये कुछ ऐसा देखो, हमको मैं आपको क्लियर बताऊँ, हमको कुछ नहीं पता, बस आप देख लो कि क्या है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सब दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उधर, हाथ जोड़ के खड़े। ये कौन है भाई? ये जन क्या है? ये हर जगह है, ये हर मूर्ति में, हर तस्वीर में है। ऊपर क्या है ये पता नहीं, ये अपने को पता है, ये बहुत है कलश, हाँ पंडित लोग वो उठा रहे हैं। और ये भाई ना पकड़ रखा है क्या? हाँ शायद वो मर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं शायद। सेवा देखना घोड़े के, भाई हम तो हाथ जोड़ सकते हैं बस, हमको इज्जत मतलब अच्छा है, सबको अच्छा है। समाधि, जब गौतम बुद्ध ने शायद समाधि ली थी, ये ऐसी जंगल है ना, ऐसी जंगल, ऐसी जंगल है, ऐसी भगवान के लिए। ये इनके ऊपर वो हो रहा है आक्रमण, हम शायद घर जाके खुद देखेंगे क्या क्या था इनके ऊपर, शायद आक्रमण हो रहा है यहाँ से। बोटिंग बुद्धा टू तीस दा धर्मा,
धर्म को बचाने के लिए शायद अनुरोध खत्म भाई। यहाँ पे एंडिंग होती है और ये था मंदिर और यहाँ से एक बार उधर को दिखा दो सारा जो भी है यहाँ पे पेड़ भी दिखाना है पेड़ पीछे ऊपर से चलने मेरे को दिखाओ। और भाई बारिश पड़ रही है फोन पूरा गीला हो चुका है हम पूरे गीला हो चुके हैं बस फिर भी भाई अब भीगी गए तो भीग जाओ भाई आ गए हम खड़ी है खड़ी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा चलते हैं। अबे उन्हें दिख रही यार बारिश भाई आ गए दोबारा से इसके पास वेरी क्यूट भाई देखो तो ये पूरा ट्रैक है टॉय ट्रेन का भाई बस टॉय ट्रेन मिस कर दिया हमने और तो बाकी सब कुछ ठीक है हमारा केक है भाई शांति में लेने का तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए तो अच्छा होगा एक बार देखते हैं अगर सेट बैठा सब कुछ तो लेंगे। तो भाई हमने वीडियो बना ली है और ये बैंडेड बैंडेड लगा के और आपको इस वीडियो का बिहाइंड द सीन वीडियो अलग मिलेगा ये हम इस ब्लॉग में नहीं ऐड करेंगे वो अलग एक बनाएंगे वीडियो उसमें देखना जरूर जाके ठीक है। और फटाफट चलते हैं अब टिकट ले लिया हमने अपने बस के भैया खड़े हैं बाहर तो फटाफट चलते हैं और चलो थोड़ी देर में ब्लॉग ऐड ऐड करेंगे ना रास्ता देखना यार ठीक जा रहे चार लड़के कौन है क्या है भाई कौन हो भाई अरे कोई भी ले अरे 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 मैं अरे वीडियो भाई वीडियो देख दो सही है यार पीछे मत पड़ो भाई क्या टिक जाओ इस पे टिक जाओ टिक क्या सकते ओ अगर इसके साथ नहीं चलती ना ये अलग चलती है। तो भाई हम आ गए रेलवे स्टेशन सुबह की अपनी ट्रेन है अभी जा रहे हैं हम कुछ खाना लेने आज स्टेशन पे खाएंगे तो बाहर से ले आते हैं उस दिन तो हम जाके खाया था लेकिन आज लेके आते हैं भाई यहाँ पे एक ये है ऊपर पाइप तो मैं कह रहा हूँ मैं इन्हें छू दूंगा और तू क्या कह रहा है नहीं छू पाएगा 100% तुम क्या कह रहे हो भाई कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी कोशिश नहीं बता छुआ जाएगा कि नहीं छुआ जाएगा भाई उम्मीद तो यही करता हूँ अबे अभी कह रहा है नहीं छुआ जाएगा ये छू दूंगा कि नहीं देख के हाइट देख के बता ले ना छुआ जाएगा ला रहे सब क्या लगता है छू दूंगा खड़े खड़े सुन खड़े खड़े फोन छोड़ दूंगा खड़े 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 हां छोड़ दे ऐसे सब ला ले पकड़ पकड़ वीडियो बनाओ तुम वीडियो सुन 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 अगर नहीं छुआ गया तो क्या करेगा अबे आज अब फोन छोड़ लिया तो भी अपना छोड़ दे कौन सा छना कौन सा चल भाई चल ठीक है दूर अब दूर है तू मार पीछे दूर से अरे चल ठीक है तो छू एक बार हो गया रोहित पाल जानता सब कुछ लगा नहीं छोड़ा बहुत ऊंचा है यार बहुत ऊंचा है वो बेइज्जती की बात नहीं है पूरी कोशिश करी थोड़ा सा ये तो पहुंचेंगे ये कोई था पहुंचेगा नहीं कोई था गाइस हम काम वो कर देंगे हम सो सके हम नहीं कर देंगे है नहीं बोल देते हैं देख सुन अबे चल जा जा खाने खाने के बाद ये छोरा को तो है क्या तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा जय हिंद जय भारत भाई रेल कोच खोल यार इसे भाई खाना सब ले लिया है जाके खाते हैं यार बहुत भूख लग रही है यार यहाँ पे एक चीज यार मतलब देख देख नीचे नीचे ये देखो ये हरकतें होती है भाई यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब एक चीज दार्जिलिंग में भाई एक चीज मेरी समझ में आई है किसी के पास घर होना हो अपना छाता जरूर होना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत पड़ती है भाई वहाँ पे। ये वंदे भारत ट्रेन इसका ऐसा भाई इसमें ना मतलब यहाँ से दिख रहा तो यहाँ से दिख रहा है इसमें सिर्फ जैसे इंजन होता ना ऐसा नहीं है बस आगे छोटा सा ये है इतना और आगे देखना वहाँ पे सीट लग रही है मेक इन इंडिया इंडिया प्राउड देखो
अभी हम पहले एक बार पूछते हैं कि इसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं। जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वही चल के देखते हैं। लाइटिंग लाइटिंग हमारे पास तो है भाई, एसी है अभी भी, बंदे एसी है, लेकिन ये देखो यार लाइटिंग नहीं है, बस दिक्कत ये है। चेयर चेयर चेयर, उधर से निकलेंगे, उधर से बंदे भाई। एसी चल रही है, एसी चल रही है यार। कैमरे वैमरे होंगे भाई, कैमरे क्या पता दिक्कत हो जाए तो, ज़्यादा नहीं। लेकिन देखो सामने देखो, वो है बिल्कुल जैसे एरोप्लेन में होता ना ऐसा है बिल्कुल, गेट खोल के सामने वो, ये भाई एसी चल रही है फुल ट्रेन। देखना ये सब कुछ, ये और ये सीधी आ रही है सीधी। कितना टाइम हो रहा है? 8:55 भगवान पागल हो गया भाई, ब्लॉग बना रहा था भाई 11 बजने वाले हैं। और देखो ब्लॉग छोटा बनाना था लेकिन अब बड़ा हो गया, क्या करें। मैं तो बनाना छोटा रहा था बस स्टेशन का, लेकिन बड़ा हो गया कोई बात नहीं। और हमने बहुत इंजॉय करा, बहुत पहले चले गए, बहुत दूर हैं इस टाइम, अपने घर से तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं यार, बहुत दूर। हमने पूरी कोशिश करी, फ्रेंड पढ़ा था कि एक भाई कहते हैं कटिहार आओ तो हमसे मिलना भाई, हमने हो गया। क्या हो गया? जो पहले हार मान जाएगा वो बंदा उस टाइम से अपना 2 घंटे के लिए फोन दे देगा दूसरे बंदे को, फोन जाएगी वो भी नहीं मिलेगी भाई। मैं चैलेंज तैयार हूँ पूरा, ठीक है अनु भाई। अब ये फोन चार्ज निकाल दे दूंगा मैं इसके हाथ में, दोनों फोन जल्दी जल्दी माना, लेकिन जल्दी जल्दी का भी। भाई कुछ भी ठंडा है, ठंडा क्यों नहीं देख। गाइस जो उन्होंने बोला था उसका ऐसे नहीं है, बता दो तीनों ब्लॉग में जितनी पैसे हो मैं जीता हूँ, बता दो कोई हारा हूँ तो मैं। कौन सी तू कौन सा जीता? तीनों ब्लॉग कोई सी बैस हुई हो तो हर यार डेढ़ भाई जीत गया मैं, और एक चीज और बोलनी है। हमने अभी लास्ट ब्लॉग में मतलब बिहार के बारे में कुछ बोला था लास्ट सबसे शुरू वाले में, भाई हमारा ऐसा था कि ऐसी बात नहीं, हम सबको बोल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे सब जगह आए थे, सब जगह बात करते हुए आए थे हम, तो यार ऐसा क्यों के मतलब हो कोई भी बात, आप हम सबसे मतलब बहुत प्यार करते हैं पूरे इंडिया से, कहीं पे भी हो हम यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है हर जगह घूमे। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मतलब सबके बारे में, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनके बारे में यार प्लीज, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो हम बिल्कुल भी आपको नहीं कह रहे हैं, ना ही आपके स्टेट को कह रहे हैं, ना ही आपके शहर को कह रहे हैं, कुछ भी नहीं यार। दिल से रेस्पेक्ट है बिहार के लिए भी और यहाँ के लिए भी और अपने शहर के लिए भी और हर जगह के लिए, तो ये चीज़ आप बिल्कुल निकाल देना। और बाकी दार्जिलिंग की ट्रिप आपको कैसी लगी, और जिसने अभी तक नहीं देखी 3-4 वीडियो पीछे की तो जाके देखो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बहुत जल्दी कहीं और जाएंगे तो वहाँ की वीडियो देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए टाइम हो रहा है 11 और हम जा रहे हैं सोने, ब्लॉग एडिट करने। गुड नाइट, लव यू ऑल, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।